झमाझम बारिश और ओले पड़ रहे हैं भाई, देखो ये रे ओले कितने सारे हो गए। Close your eyes. Hi guys, welcome back to yet another new video. This is Shefali and कैसे हैं आप सब? Hope so आप सभी अच्छे होंगे। So guys, आज मैं जा रही हूँ movie date पे और हम देखने जा रहे हैं Shazam का part 2। और जो उसका first part था वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो second part देखने के लिए मैं बहुत excited हूँ। डेढ़ घंटा हो गया हो ना, हम डेढ़ घंटा में PDM मॉल कौशाम्बी आनंद विहार पहुँच चुके हैं। मतलब ये बॉर्डर ही है, उस साइड कौशाम्बी है, इधर आनंद विहार है। तो मैं आई हूँ भाई भाभी के साथ। हेलो आपने फर्स्ट पार्ट देखा शज़ाम का? फिर आपको कैसे समझ? मुझे मतलब उसका बेसिक जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसकी फाउंडेशन, वो याद है, बाकी याद भी नहीं है। एंड क्या था वो ही याद नहीं है मुझे, बस मुझे इतना पता है कि वो एक ऐसी है सुपर हीरो वाली मूवी है। इन दोनों ने ट्विनिंग करी है, फ्लोरल प्रिंट पहना है और मैंने वाइट अपनी टी पहनी है लिवाइस की, मेरी बहुत फेवरेट है ये। कितना खाली है ना मॉल, यहाँ पे बहुत कुछ है, शायद पहले नहीं था ये इतना। आ गए हैं ऑर्डर नंबर 3 से, एंटर लेते हैं। टिकट आपके पास है? तो लाइफ चिल। क्या आएगा भैया? सो मूवी के बाद सब लोग शॉपिंग मूड में आ गए थे, तो फिर हम लोग गए मैक्स और हमने वहां जाके कुछ कपड़े देखे। मम्मी पहन पाए तो इसमें साइज देखो, ये अच्छा लग रहा है ना, डबल एक्सेल। मम्मी को आएगा नहीं ये, देखो ये क्या है, क्या झबरा बना रही है झबरा अच्छी लग रही हो पर नहीं यार, वैसे भाई भैया के पास है। यार ये कितनी अच्छी लग रही है, ये अच्छी। मेरा तो सर चकरा गया ना, कुछ पसंद आया। वाओ यार कितने क्यूट है ये न्यू बॉर्न बेबीज के हैं, जो वॉक नहीं करते होंगे। सो गाइस घर आ गए हम और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मतलब मैं पूरे
टाइम्स होते हुए आई हूँ। सर बहुत दर्द कर रहा है, मूवी में बहुत मज़ा आया बट मैंने जो खाया नहीं ना उस वजह से मेरा सर फट रहा है। अब बस कपड़े चेंज करती हूँ एंड देन कुछ खाती हूँ, देखती हूँ क्या हेल्दी खा सकती हूँ। तो बस नारियल पानी है, फ्रूट्स है, एक नहीं ये पता नहीं कहाँ से, क्या करूँ मैं, मेरे से बाहर का अब खाया नहीं जा रहा है। पहले घर का नहीं खाया जाता था, अब मेरे से बाहर का नहीं खाया जा रहा। बात करते हैं मूवी की। मूवी बहुत अमेजिंग थी और आपको पता ही है हॉलीवुड मूवीज़ जो होती हैं उनके ग्राफिक्स कितने बढ़िया होते हैं, तो ग्राफिक्स के मामले में बहुत बढ़िया थे, बहुत अमेजिंग थे, मतलब सब कुछ रियल लग रहा था। वैसे भी मुझे ना सुपर हीरोज़ वाली मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मुझे बहुत पसंद आई। बट ना थोड़ा वो था कि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट देखा था शज़ाम का, तो वो ना बहुत ही ब्रिलियंट था और वो ना 2019 में आया था, 2019 में और अब 2023 में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है हमारी दिमाग के लेवल पे अगर हम बात करें तो। 2019 में ना वो चीज़ें बहुत अमेजिंग लग रही थी, बट वही है कि सेकंड पार्ट की स्टोरी थोड़ी सी मुझे ऐसी लगी, स्टोरी में मतलब इतना मज़ा नहीं आया। बट ठीक है, अच्छी थी, लेकिन जैसे मैं इसको एक ही बार ही देखना चाहूँगी, दोबारा मन नहीं करेगा। लेकिन जो शज़ाम का फर्स्ट पार्ट था ना वो हम दोबारा देख सकते, तो बहुत अमेजिंग पार्ट वन बहुत अच्छा था। तो सेकंड पार्ट में बस यही लगा मुझे कि थोड़ी और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हाई थी, बाकी अमेजिंग थी। बट एक दो उसका गैप ना इतना ज़्यादा हो गया कि धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि तो बहुत टाइम बाद मूवी आई है, बीच में लॉकडाउन रहा, सो इस वजह से। बाकी मूवी अच्छी थी, तब देखने के लिए बढ़िया है। मुझे वो बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत कम पसंद आती है, तो हॉलीवुड की मूवीज़ हम ज़्यादा देखते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो ये नेक्स्ट डे है और मैं जिम से आ गई हूँ। मैंने जिम का शूट नहीं करा, मैंने कहा ऐसे कहीं आप जिम की एक्सरसाइज की वीडियोस देख के बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने नहीं करा एंड जस्ट आई हूँ। और अभी बज रहे हैं शायद 11:30 या 12:15 बज रहे हैं और मैं 9 बजे पहुँची थी जिम। सो आज मैंने कितने घंटे करा, मतलब 2.5 घंटे तो मान लो कि वर्कआउट करा है मैंने। सो मैं थोड़ी थक चुकी हूँ, अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है क्योंकि भैया और मम्मा दोनों हैं नानी के घर और ब्रेकफास्ट मुझे खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी ब्रेड लेके आई हूँ, ब्राउन ब्रेड और एग है घर में, तो ब्रेड ऑमलेट खा लेंगे। और ओट्स से तो मेरा मन भाई 3 दिन में ही भर गया था ओट्स से, नहीं तो जवे ठीक लगते अभी मुझे, और पोहा भी चलेगा बट पोहा बनाने के लिए मुझे लगता है बहुत मेहनत लगती होगी, मैंने बनाया नहीं है कभी। सो ये बनाते हैं, पहले कपड़े चेंज करती हूँ एंड देन मैं किचन में जाती हूँ। गाइस बहुत इतना ऑसम वेदर हो रहा है, इतना ऑसम, एकदम ऑरेंज कलर का दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, गाइस बहुत अमेजिंग वेदर हो रहा है और इस मौसम में बाहर जाना चाहिए, बट हम घर में पड़े हैं, कोई नहीं है घर में। तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर मुझे वीडियो भी डालनी है क्योंकि मेरे चैनल पे पता नहीं 3 दिन हो गए होंगे वीडियो नहीं आई होगी, बर्थडे व्लॉग भी एडिट करना है। लो जी लो गाइस, बारिश भी हो गई, विस्की बाहर, मौसम देख कितना अच्छा हो रहा है, सो रहा है, आ जा देख बारिश हो गई, सो रहा है शायद, आ गया आ गया, बारिश हो रही है बाहर बाबू, देखो 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 बारिश हो रही है बाबू, खेलना नहीं है, खेलने के लिए लाया है, इसे लग रहा है कि खेलना है। देखो उसके मुंह से भी बॉल छूट गई बाहर का वेदर देख के, ये झमाझम बारिश और ओले पड़ रहे भाई, देखो ये रे ओले, ओ कितने सारे हो गए भाई। अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और सॉरी मैं दिखाना भूल गई क्योंकि तो इतनी ज़्यादा देखना, यहाँ पे भी इतना पानी भरा है। बेबी सारी कितने आ गए और फोन में बैटरी नहीं है, लाइट चली गई है, पानी आ रहा है। गाइस तो मैंने एक तो नैप ले लिया है और जब तक मैं उठी तब तक लाइट भी आ चुकी थी। सो ये दो पार्सल आए हैं, एक ये आया है जो कि पार्सल जिस ब्रांड का है, वो ब्रांड मेरे को इतने दिन से मतलब महीने भर से तो पूछ रहा है कि
डिड यू रिसीव, अरे यार आया ही नहीं, और आज आया तो आज कोई पूछ नहीं रहा। एंड ये एक और पार्सल आया, ये ग्लोबिया का है। सो ऐसा लग रहा है बर्थडे के अगले दिन आए, तो ऐसा लग रहा है कि बर्थडे गिफ्ट है। तो लेट्स ओपन इट, देखते हैं इसमें क्या है। ओपन करके आपको सीधा दिखाती हूँ। प्रोडक्ट एंड ये फ्लिका ब्रांड का है, एंड ये है लिक्विड फाउंडेशन जो कि मुझे चाहिए था। एंड गाइस सच में ये बता रही हूँ, ये लिपस्टिक जिस शेड गए ना, इसी शेड का कुछ मैं चाह रही थी कि मैं कुछ अपना न्यू डिश ब्राउनिश टोन में जाऊँ लिपस्टिक में। एंड या गॉड में सुन लेते हैं, गॉड क्या इस बार ब्रांड ने सुना है। एंड ये है क्लोविया ब्रांड का, एंड ये पैकेज वो। तो ये किस पैटर्न का है, एंड ये है लोअर एंड ये है अपर। सो गाइस ये है नाइट सूट, अब इसका फिट चेक करना पड़ेगा कैसा आ रहा है। एंड गाइस यहाँ पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई करा था, आप देख लो बहुत ही मेरे शेड का है इसलिए पता नहीं चल रहा है इतना इसकी कवरेज कैसी है, वो तो फेस पे लगा के पता चलेगा। एंड ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है बट ठीक है। एंड ये शेड देखो गाइस, इस मुझे फ़ोन में ज़्यादा डार्क लग रहा है बट ये कुछ ऑरेंजिश ब्राउनिश कलर है, नाइस कलर मुझे अच्छा लगा। एंड ये नाइट सूट मैंने पहन के नहीं देखा बट अभी मैं पहन के देखूँगी कि ये मेरा परफेक्ट साइज है या नहीं। सो गाइज ये है नाइट सूट एंड बहुत अमेजिंग है, फैब्रिक की क्वालिटी ओके है प्राइस के हिसाब से। एंड गाइज बस इसमें ये है कि मैंने एक्सेल साइज मंगाया था बिकॉज मुझे ना लोअर बड़ा चाहिए होता है, थोड़ा लूज हो, और मेरे लोअर का साइज़ ज़्यादा आता है मुझे एंड अपर से, इसलिए मैंने बड़ा साइज़ मंगाया था। और अब इसको मैं ऑल्टर कराऊँगी और फिर ये बहुत मस्त लगेगा, इसका कलर बहुत 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 अमेजिंग है। सो लाइक दैट। सो मैं रेडी हो गई हूँ जिम के लिए एंड दिस इज माय टुडेज आउटफिट। चप्पल गाइस चप्पल पहन के नहीं जा रही हूँ, अभी शूज पहन रही हूँ जस्ट, एंड फिर निकलती हूँ बाहर। पूरा बारिश वाला वो है वेदर, बट मैं हमेशा दो टाइम जिम नहीं जा पाती, आज मैं जा सकती हूँ तो आज मैं जा रही हूँ। और ये जो बिंदी की तरह आपको दिख रहा है ये है मेरा मिस्टर पिंपल। सो गाइस आ गई जिम एंड बहुत वर्कआउट तगड़ा, तो क्या मतलब कार्डियो तो ज़बरदस्त करा ना, मेरे को आज इतनी स्वेटिंग हुई, इतनी मुझे इतने दिन के वर्कआउट में किसी दिन नहीं हुई। और आज बल्कि ठंडा था इतना वेदर, तो नेचुरल स्वेटिंग तो हो भी नहीं रही थी बट फिर भी मुझे स्वेट आया। सो यहाँ पर हम बॉल डेक खाएंगे और इधर देख रहा है ये मिस्टर विस्की, सिट, हाई फाइव, गुड बॉय। खाओ, कैफीन होता है उसमें, मुझे आ गए किसके विस्की के। कभी कुछ खाने को मिल रहा है कभी कुछ। सो कुछ इस तरह मैंने अपने बर्थडे मनाया फैमिली फ्रेंड्स एंड ब्रांड्स के साथ। सो होप यू लाइक दिट, एंड अगर आप आगे भी मेरे और व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरी फैमिली को ज्वाइन करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड बाय गाइस, न्यू व्लॉग का इंतजार करना, कल न्यू व्लॉग आएगा। बाय।